सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गठिया रोग या रिमेटेड आर्थराइटिस के क्या लक्षण होते हैं। तो रिमेटेड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारा जो शरीर है वो खुद ही के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि 40 से 60 साल के लोगों में देखा जाता है। ये अक्सर वुमेंस में ज़्यादा देखा जाता है, यानी महिलाओं में मर्दों के मुकाबले ज़्यादा देखा जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है हमारे घुटने, जॉइंट्स या फिर स्किन, हार्ट, लंग्स जैसे तमाम वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लक्षण अगर आपको रिमिटेड आर्थराइटिस या फिर गठिया रोग है जोड़ों के अंदर। तो जॉइंट पेन के अंदर सबसे पहला जो स्पेसिफिक रीज़न आता है वो है रिमिटेड आर्थराइटिस। इसका सबसे पहला सिम्टम है मसल स्टिफनेस, यानी मांसपेशियों में जकड़न आना। ये देखा जाता है कि जैसे जैसे हमारा इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स ख़राब होता है वैसे वैसे हमारे मसल्स और जॉइंट के आसपास के स्ट्रक्चर्स डैमेज होने शुरू होते हैं। डैमेज होने की वजह से सबसे पहले उसमें स्टिफनेस आती है। इसके बाद हमारी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन अफेक्टेड हो सकती है, यानी हमारा पैर या फिर हाथ या फिर जो भी वो जॉइंट है वो कितना, अगर वो नॉर्मल है तो वो अगर इतना मूवमेंट कर रहा है, तो अगर आपको रिमिटेड आर्थराइटिस होगा तो वो सिर्फ इतना मूव करेगा, यानी उसकी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन भी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद पेशेंट को फीवर आएगा क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स ख़राब हो जाता है, जिस वजह से हम इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और हमें बाहर से इन्फेक्शन यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जिस भी जॉइंट या फिर एरिया में ये होता है उसमें पेन बहुत ज़्यादा होगा, जॉइंट पेन। आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ उस पार्ट में, जैसे अगर ये जॉइंट इन्वॉल्व है, अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो आप हाथ पीछे खींच लेंगे, आपको हाथ लगाने पे कॉन्स्टेंटली दर्द होगा, यहाँ पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। इन सभी केसेस के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं या फिर इससे जुड़े कोई और लक्षण आप आ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पेन रिलीफ क्लिनिक एंड एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर जिसकी ब्रांच पश्चिम बिहार में भी है, उत्तम नगर में भी है, आप वहाँ पर विजिट कीजिए, हमसे बात कीजिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।